हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाइट की एक बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग कोले सिस्टम। तो कोले सिस्टम मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है दोस्तों। कोले सिस्टम में बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इतना बढ़िया सा ओपनिंग सिखाऊंगा कोले सिस्टम कि आप ये सीखने के बाद कॉन्फिडेंटली गेम खेलोगे, बहुत ही मजा आएगा आपको दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कोले वर्सेस किंग्स इंडियन। नहीं, सबसे पहले मैं आपको कोले की क्लासिकल लाइन बताऊंगा, बाद में मैं उसके पैसिव लाइन जो है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्लासिकल वेरिएशन क्या है कोले सिस्टम D4। दोस्तों कोले सिस्टम का मेन स्ट्रक्चर पहले मैं आप बताता हूँ, मूव ऑर्डर बाद में बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर होता है कोले सिस्टम का, बिशप D3 पे होता है और ये पोजीशन में नाइट BD2 देन नाइट E5 F4 वगैरह वगैरह, और ये कैसल, ये हो गया परफेक्ट कोले सिस्टम का क्लासिकल वेरिएशन, जिसमें ये बिशप किंग साइड अटैक कर रहा है और ये डार्क स्क्वायर बिशप भी किंग साइड अटैक करता है। बहुत ही बढ़िया सी पोजीशन से आप खेलोगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं मेन मूव ऑर्डर। तो सबसे पहले क्लासिकल वेरिएशन में D4, D5, नाइट F3, Nf6, E3, E6, ये है दोनों का सेम सिमेट्रिकल मूव जो क्लासिकल है। इसमें बिशप D3 आता है आफ्टर C5। यहाँ पे आपको तुरंत C4 को स्टॉप करने के लिए B3 खेलना होगा, B3 खेलने के लिए उसके बाद ब्लैक खेलेगा नाइट C6। दोस्तों नाइट C6 में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कैसल कर सकते हो, बिशप B2 कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको नाइट B4 को स्टॉप करना है, वरना आपका ये स्ट्रॉन्ग बिशप नाइट के सामने एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसे एक्सचेंज नहीं होने के लिए आपको खेलना है A3, स्टॉप कर दो नाइट को। आफ्टर A3 ब्लैक खेलेगा बिशप D6। यहाँ पे आपके पास BB2 और कैसल, ये बेस्ट चॉइस है। मैं सजेशन करूंगा बिशप B2, पहले BB2 कर दो ताकि नाइट E5 जल्दी आ सके। आफ्टर ब्लैक कैसल, यहाँ पे आपको कैसलिंग करने की कोई जल्दी नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको नाइट E5 तुरंत कर देना है, इसलिए कि क्वीन C7 आने पर आप F4 करके पूरा नाइट को कंट्रोल कर लोगे, E5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर लोगे। अगर आपने पहले नाइट E5 नहीं खेला और पहले कैसल कर दिया, तो यहाँ पे ब्लैक क्वीन C7 अगर अर्ली खेल लेता है तो नाइट E5 का चांस नहीं रहेगा दोस्तों। तो कोले सिस्टम में मेन मूव है नाइट E5, जिसे हमें E5 स्क्वायर पे कंट्रोल करना है। तो कैसल से पहले मैं आपको सजेशन करूंगा कि नाइट E5 इज बेस्ट। आफ्टर नाइट E5 ब्लैक प्लेट हियर क्वीन C7 और सिंपल F4। अब ये आपका बेस्ट स्ट्रक्चर हो गया, कोई तरफ से कोई जात का अटैक नहीं आएगा। आफ्टर F4 ब्लैक खेलेगा B6, उसे बिशप निकालना है B7 या D7 या व्हाटएवर, तो यहाँ पे B6 जरूरी है। B6 के बाद आपको कर देना है कैसल और यहाँ हो गई आपकी ओपनिंग खत्म। अब उसके बाद के मैं मूव ऑर्डर बताता हूँ, आप क्या क्या खेल सकते हो ये आप अपनी बुक में नोट डाउन कर दीजिए। ये क्लासिकल स्ट्रक्चर है, इतने मूव लिख लीजिए और नीचे आप एक पैराग्राफ में लिख लीजिए कि नाइट D2 देन नाइट D2 C4। आगे का प्लानिंग बताता हूँ, रुक C1। यू कैन प्ले बोथ साइड फ्रॉम हियर, किंग साइड और क्वीन साइड दोनों साइड आप खेल सकते हो इस जगह से दोस्तों, इस पोजीशन से। तो ये था क्लासिकल वेरिएशन कोले सिस्टम का। अब मैं आपको बताऊंगा कोले सिस्टम का बिशप G4 वेरिएशन। BG4 वेरिएशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है वाइट को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं D4, ब्लैक प्ले D5, नाइट F3, नाइट F6। जब आप E3 करते हो तो ब्लैक E6 नहीं करता है और बिशप को पहले रनिंग आउट कर देता है, बिशप G4 आपके नाइट को पिन करता है। तो सबसे पहले आपको पिनिंग में से बचाने की मूव नहीं करनी है, बिशप ईटों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है E5 पे कंट्रोल, तो यहाँ आपको तुरंत B3 खेलना है। अब ब्लैक E6 करेगा, उसके बाद बिशप चेक को स्टॉप करो और A3 पहले खेलो, वरना चेक आने पर आपका स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा। A3 के बाद अगर ब्लैक C5 करता है तो यहाँ पे आपको बिशप B2 करना है। आफ्टर BB2 ब्लैक नाइट C6, ब्लैक के E5 की थ्रेट है तो NBD2 कर दो। आफ्टर बिशप D6
और यहाँ पे कैसलिंग करने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए सिंपल क्वीन C1। अब देखो नाइट E5 तो फिर भी आने वाला है। बिशप G4 की वजह से नाइट E5 नहीं आ सकता था, लेकिन अब क्वीन C1 खेलने के बाद आपका नेक्स्ट प्लानिंग होगा नाइट E5 का। तो अगर ब्लैक ने यहाँ पे कैसल कर दिया तो यहाँ पे तुरंत आपको खेलना है नाइट E5 बिना टाइम गंवाए, आफ्टर क्वीन C7 F4, और कोई भी रिस्क नहीं है, बहुत ही बढ़िया लाइन है। ओपनिंग इतनी करने के बाद आप बहुत सारे गेम खेल के ट्राई करना, कितना मजा आएगा आपको खेलने में। तो व्हाइट की कॉलर सिस्टम की दो लाइन आपको मैंने बताई, अब मैं आपको तीसरी लाइन बता रहा हूँ कि बिशप F5 वेरिएशन। बिशप G4 तो हमने देख लिया पिनिंग वाला वेरिएशन, अब देखते हैं बिशप F5 और D4, आफ्टर D5 नाइट F3, Nf6, E3, बिशप F5। बहुत सारी गेम ऐसे भी होती है कि ब्लैक से लंदन सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं ब्लैक। तो बिशप F5 के सामने सिंपल बिशप D3, आफ्टर बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, C6। ये जरूरी मूव है दोस्तों, C6 अगर ब्लैक ने नहीं किया और E6 इस मूव में किया तो सिंपल व्हाइट विनिंग हो जाएगा। जैसे कि क्वीन B5 चेक, आफ्टर नाइट D7, क्वीन टेक्स B7, रुक B8 में क्वीन टेक्स पॉन, एक और मार लो, वो भी पोजीशन अच्छी ही है और आपकी क्वीन जल्दी ही वापस आ जाएगी, कोई ट्रैप होने वाली नहीं है और पॉइजन पॉन हम इस पोजीशन में मार सकते हैं। वैसे तो B2 B7 दोनों पॉन को हम पॉइजन पॉन बोलते हैं, लेकिन शुरुआत की पोजीशन में आप पॉन मार के क्वीन वापस ला के सेफ जगह पे रख लो। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मूव में आप Qe6 और Qd3 ला के आगे गेम खेलो। एक पॉन प्लस शुरुआत से इजीली गेम है, मेंटेन करो और पोजिशनल प्ले खेलो, नॉट अटैकिंग, बस सिंपल पोजिशन प्ले, पीसीस एक्सचेंज करो और एंड गेम में विनिंग स्ट्रेटेजी यूज करो। तो ये थी बिशप F5 वेरिएशन। यहाँ पे E6 नहीं खेलना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया कि ब्लैक की ओर से C6 इज बेस्ट। तो E6 नहीं, C6 बेस्ट है। E6 गलती की तो आपको क्या करना है, अब मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आफ्टर C6 आपको खेलना है B3 सिंपल, हमारा कोले का बिशप और क्वीन जो है वो बिशप वाइट बिशप की जगह ले लेगा। तो हमें जो काम बिशप कर रहा था वही काम हमारी वाइट की क्वीन करेगी। तो आफ्टर B3 यहाँ पे ब्लैक खेलेगा E6 और वेटिंग मूव करो A3 का, Bb2 बिशप चेक अलाउ नहीं करो। तो बिशप D3, यहाँ पे Bd6, आफ्टर बिशप B2 ब्लैक कैसल, और यहाँ आप कैसल कर सकते हो अर्ली क्योंकि डेवलप सब कुछ हो चुका है, कैसलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन C7 खेलेगा और यहाँ पे आप नाइट E5 कर सकते हो, आफ्टर नाइट D7 आप F4 कर दो और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन से फिर से खेलो। तो ये कोले सिस्टम के क्लासिकल वेरिएशन, जिसमें बिशप G4, बिशप F5 और नॉर्मल वेरिएशन, ये तीनों वेरिएशन एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। मेरे नए वीडियो में आप देख सकोगे कि कोले सिस्टम वर्सेस किंग्स इंडियन, कोले वर्सेस डच स्टोन वॉल, ये दोनों बहुत ही बढ़िया मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, मेरे सारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।